फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो टॉपिक है कि सोलर पैनल्स को जो है खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए सोलर पैनल खरीदने से पहले। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम सोलर को खरीदना चाहते हैं या हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंट्स के बारे में कि सोलर पैनल्स में जो 5 पॉइंट्स हैं, अगर हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं तो हमें सोलर पैनल को खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे लिए सोलर पैनल की एफिशिएंसी। सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड, एफिशिएंसी का मतलब है कि जो सोलर पैनल है वो कितनी बिजली जो है जनरेट कर रहा है या कितनी बिजली जो है उत्पन्न कर रहा है। यानी हम अगर ऐसे माने कि एक स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक स्क्वायर फीट में सोलर पैनल और जो पैनल लगा हुआ है वो जितनी बिजली उत्पन्न करेगा वो उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो सोलर पैनल्स जो है दो तरीके के आते हैं, एक तो आते हैं मोनोक्रिस्टलाइन और एक आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। बेसिकली यही दो जो है पैनल्स मेन हैं, बाकी इसमें आजकल बहुत सारे आ रहे हैं जैसे बाईफेशियल हो गया और हाफ कट हो गया और अभी एक और आया है इसमें जो बिल्डिंग्स पे लगता है, BIPV के नाम से है, बिल्डिंग ओरिएंटेड पैनल सोलर पैनल्स ऐसा कुछ है वो भी है अभी। हालांकि वो कुछ एक जगह पर ही मैंने सुना है उनके बारे में, लेकिन बेसिक जो है वो दो ही हैं, मोनो और पॉली। मोनोक्रिस्टलाइन की जो एफिशिएंसी है वो 18 से 22% है और जो पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी है तो पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी जो है वो 16 से 20% है। ये डिपेंड करता है पैनल की क्वालिटी पे। ठीक है, तो दो तरह की ये चीज़ें हैं। उसके बाद एफिशिएंसी जो है वो आप जिसे हाथ से पता नहीं लगा सकते पैनल्स की एफिशिएंसी के लिए आपको जो है क्लैंप मीटर खरीदना होगा। क्लैंप मीटर से जो है आप उसके वोल्टेज एम्पियर या उसका पूरा जो भी है आप उसकी टेक्निकल जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। और क्लैंप मीटर को खरीदने के लिए मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसे खरीद सकते हैं आसानी से। अब जो दूसरी बात हम करेंगे सोलर पैनल्स की वो है ड्यूरेबिलिटी की। अब बात ड्यूरेबिलिटी की आई है तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो कितना ड्यूरेबल है, यानी वो कितना उसकी दक्षता कितनी है। हिंदी में बात करें तो जो जिन उपकरणों से मिलकर बना होता है तो वो बहुत ही छोटे छोटे उपकरण होते हैं जैसे कि सोलर सेल, एल्यूमिनियम फ्रेम, टेम्पर्ड ग्लास और उसके साथ ही MC4 कनेक्टर्स, जंक्शन बॉक्स। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से मिलकर ये बना होता है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो सोलर पैनल्स में जो सोलर सेल होते हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें जो है हम अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अगर उस पर देंगे हम तो वो टूट सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सोलर पैनल्स के ऊपर जो है टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है। टेम्पर्ड ग्लास जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, ड्यूरेबल होता है, आसानी से टूटता नहीं है। और इसके लिए जो है इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एल्यूमिनियम फ्रेम की ज़रूरत होती है। तो एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर जो है ये सोलर सेल्स को बिछाया जाता है, इसकी जो है सीरीज बनाई जाती है, उसके बाद जो है इसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया जाता है। एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाने के बाद टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है जिससे कि ये जो है काफ़ी ड्यूरेबल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक काफ़ी अच्छी धातु है और टेम्पर्ड ग्लास जो है इसे जो है पानी से, धूल मिट्टी से, इन सब से जो है जंक्शन बॉक्स लगा होता है उसमें जो है IP68 और IP67 ये दो प्रोटेक्शन होते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोटेक्शन है वो वाटरप्रूफ होते हैं, मतलब IP68 जो है वो फुली तरीके से वाटरप्रूफ है, यानी पानी जो है जंक्शन बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा, और IP67 जो है वो कुछ देर तक ही पानी को रोक सकता है। इसलिए जो है इसमें दो तरह के ही प्रोटेक्शन है, IP68 और IP67। जो जंक्शन बॉक्स होता है, जंक्शन बॉक्स के अंदर जो है डायोड लगे होते हैं। डायोड का जो काम होता है वो क्या करता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी जो है बैटरी से वापस पैनल के अंदर जो है पावर नहीं जाने देता है डायोड का। के बाद जो होता है DC वायर जो है दो तरीके के ही मेनली यूज होते हैं, 4mm 6mm। DC वायर जो है AC वायर से ज़्यादा जो है अच्छे माने जाते हैं,
क्योंकि जो है उसमें करंट के लॉसेस कम होते हैं और वो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके चालक जो है वो अच्छे होते हैं, इसलिए हमेशा डीसी वायर ही यूज़ करें। एसी वायर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीसी वायर में जो है आपको करंट के लॉसेस जो है वो बहुत कम। के बाद है MC4 कनेक्टर्स, ये भी जो है MC4 कनेक्टर्स जो है ये पैनल्स को जो है आपस में जोड़ने के काम आते हैं, और जब हम इनसे जो है पैनल्स को जोड़ते हैं तो काफ़ी जो है वो हमें लॉसेस किसी भी तरीके के होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, और जो है ये भी वाटरप्रूफ होते हैं। तीसरी जो बात अब हम करेंगे वो है वारंटी। जैसे कि आजकल सभी कंपनियां जो है 25 ईयर्स की जो है वारंटी जो है हमें दे रही है। 25 ईयर्स की वारंटी देने का मतलब क्या है? 25, अब जैसे वारंटी है तो वारंटी जो है इसमें दो तरह की होती है। एक तो होती है वारंटी बोलेंगे, यानी अगर सोलर पैनल में 25 साल की वारंटी का मतलब ये है कि अगर सोलर पैनल में जो है किसी भी तरह की खराबी आती है तो वो जो है कंपनी उसको ठीक करके देगी। लेकिन अगर सोलर पैनल्स में जो है मान लेते हैं, वो ये भी दावा करती हैं, परफॉर्मेंस वारंटी का मतलब ये है कि जो पैनल हमारा प्रेजेंट टाइम में परफॉर्मेंस दे रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, 25 सालों तक जो है उसकी परफॉर्मेंस वारंटी एज इट इज़ रहेगी, यानी वो एज इट इज़ काम करेगा, इसलिए जो है 25 ईयर की वारंटी इस तरह के इस तरह से हो। चौथी जो हम बात करेंगे वो है सोलर टेम्परेचर, क्योंकि सोलर का टेम्परेचर से काफ़ी जो है नज़दीकी रिलेशन है टेम्परेचर, क्योंकि सोलर पैनल्स को जो है सोलर पैनल में अगर तापमान में कमी या ज़्यादा, यानी टेम्परेचर इकोफिशियंट अगर तापमान में कमी या ज़्यादा होता है तो सोलर का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है प्लेट का वो जो है कम या ज़्यादा इफेक्ट जरूर होता है। क्योंकि सोलर पैनल्स को जब टेस्ट किया जाता है तो कंपनी में उसका जो टेम्परेचर रहता है वो 25 डिग्री तक रहता है, इसलिए जो है कभी कभी गर्मियों में जैसे टेम्परेचर जो है वो 40 से 50 डिग्री हो जाता है तो सोलर पैनल का जो है टेम्परेचर वो 60 से 70 डिग्री पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि सोलर पैनल जो है कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उसी तरीके से जब सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है उस केस में भी जो है पैनल जो है कम बिजली उत्पन्न करता है। लेकिन जो है वैसे अगर बहुत कम लोगों को पता होगा सोलर की जो परफॉर्मेंस है वो सर्दियों में ज़्यादा रहती है अपेक्षा गर्मी के। पांचवी जो चीज़ है वो है कंज्यूमर रिव्यू। एक्चुअली क्या है कि आजकल इतनी कंपनियां आ गई है जो फेक रिव्यू या झूठे रिव्यू जो है बताकर जो है लोगों को फंसाती है, या मान लीजिए कि उन्हें मतलब झूठा बताकर और उन्हें जो है वो पैनल्स वगैरह जो है प्रोडक्ट वगैरह बेच दिए जाते हैं। लेकिन आजकल एक्चुअली क्या है कि कंज्यूमर भी आजकल समझदार है तो हमेशा जो है सब चीज़ें पता कर लें, अपने नॉन से ही जो है ऐसी चीज़ें खरीदें या कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो। पहले आजकल वैसे भी इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतनी जानकारी है तो आप पहले उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लें, आप जिससे भी डीलर से आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसके बारे में उससे पूरा पूछ लें और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप जो है इन सिस्टमों को खरीदें। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो 5 पॉइंट हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन 5ों चीज़ों के बारे में जो है समझ गए हों तो आप आसानी से जो है सोलर पैनल खरीद सकते हैं और बिजली बचा सकते हैं। और मेरे चैनल को जो है इसी तरह आप प्यार करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।